अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। क्वारंटाइन प्लस रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, आज मैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और सभी लोगों को पसंद है, ब्राउनी बनाने जा रही हूँ। ब्राउनी बनाने का मेरा अपना स्टाइल है, मीन्स के ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, मैं इसमें सिंपल शुगर यूज़ करूँगी। ब्राउनी में किस तरह बनाऊँगी, थोड़ा फज के उस पर लेके जाके बनाएंगे हम लोग फज स्टाइल की। चार अदद अंडे लूँगी, एक कप एक जो ये प्याली है ये चीनी की है पिसी हुई, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा ऑयल हाफ प्याली, ये चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट आपको मार्केट से मिल जाएगी। चॉकलेट लेना है, इसके अंदर हम बटर लेंगे सबसे पहले में, और सोडा है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मिल्क यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले जो हम काम करेंगे, हम ये हाफ मक्खन की को ले लेंगे, आपके अपने ऊपर है टेस्ट के आप लोग कितनी चॉकलेट पसंद करते हैं, कितने चॉकलेट लवर हैं। अच्छा, इसमें चॉकलेट पाउडर की कमी है, अभी वो चॉकलेट पाउडर भी मैं ऐड करूंगी जब, तो आपको बता दूंगी। इसको हम डबल बॉइलिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अंडे और चीनी के मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसमें चार अदद खाने के चम्मच जो है ना चॉकलेट पाउडर डाला है, कोको पाउडर, और 1 टीस्पून के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, वनीला एसेंस लेंगे, ये बहुत ठीक है, तो 1 टीस्पून ना 2 टीस्पून ले लीजिएगा आपके पास अगर दूसरा वाला हो तो। ऑयल ऐड करूंगी चीनी मैंने बचाई थी, ये चीनी मैंने ले ली है। मैदा ऐड करेंगे, और दूध ऐड करेंगे, दूध आपने तकरीबन थोड़ा सा दूध ऐड करना है ताकि ब्राउनी सॉफ्ट रहे। ये जो मशीन चलेगी तो वो एकदम से मटेरियल, स्पैचुला की मदद से सब मटेरियल को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, वो एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि 30 वॉल्यूम से डाई करना बताएं, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो मैंने बनानी है। मुझे बस कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए ना जिसमें मैं बना के दिखा सकूँ, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसका थ्योरी आप लोगों को के साथ शेयर कर दूँ। असल में 30 वॉल्यूम से जब डाई करते हैं ना तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसकी गाइडलाइन दे दूँगी। अगेन इसको एक दफ़ा हम चलाएंगे, हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है डिश, और जो डाइट कॉन्शियस है वो तो बिल्कुल ना खाएगा क्योंकि इसमें बटर और इतना।